हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है तनवीर शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल तनवीर। फ्रेंड, यह है मेरे वो फ़ोन का स्क्रीन। आज मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो कॉल मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी का कॉल आता है आपके फ़ोन में, तो उस टाइम एक ऑप्शन आता है। आप जब कॉल नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन आता है कि जैसे मान लीजिए कॉल आ रही है, आप वहाँ पे ऐसे नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे ना, तो इस तरह से वहाँ पर मैसेज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या मैसेज करना चाहते हैं वो इंग्लिश में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। मैं चले जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद क्या क्या मैसेज करने के लिए आता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ कॉल, जी हाँ, ये फ़ोन वाले ऑप्शन में, सॉरी बैक दूसरे में चले गया मैं, यहाँ पे फ़ोन में चले जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए, रिजेक्ट इनकमिंग कॉल विद एंड SMS मैसेज। ठीक है, SMS मैसेज। यहाँ पर देखिए, जो मैसेज यहाँ पर दिख रहा है दरअसल ये नहीं था, ये मैंने एडिट कर यहाँ पर ये मैसेज डाला है। पहले आपको क्या मैसेज दिखेगा, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये मैसेज इस तरह का दिखाई देगा। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं बिजी है या कॉल नहीं उठा सकते हैं या फिर बाद में आप कॉल करेंगे, तो इन सब के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप कॉल, आपके पास किसी का कॉल आ रहा है, आप कॉल नहीं उठाना चाहते, आप अभी बात नहीं करना चाहते, आप बाद में बात करना चाहते हैं, तो उसको मैसेज कर सकते हैं। आप जैसे ही मैसेज क्लिक करेंगे, जैसे नीचे से स्लाइड अप करेंगे, कॉल आती रहेगी, स्लाइड अप करेंगे, मैसेज पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही उसके पास मैसेज चले जाएगा और कॉल भी डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एडिट करके लिखा है, आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। ये ओरिजिनल था, पहले इस तरह का लिखा हुआ था इंग्लिश में, अब उसी को मैंने हिंदी में टाइप किया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। ठीक है, ये फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज क्या है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, बाद में करूँगा मैं कॉल। ओके, उसके बाद लिखा है तीसरा मैसेज, आप मुझे 30 मिनट बाद कॉल कीजिए। ठीक है, चौथा मैसेज, अभी मैं बिज़ी हूँ, खाली होकर कॉल करूँगा। तो ये मैंने चारों मैसेज मैंने एडिट किया है। तो इसको कैसे एडिट करेंगे और कैसे अपने मोबाइल में सेट करेंगे, मैं आपको बाद में कॉल करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेटिंग बता दूँ कैसे कैसे जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको चले आना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ पर देखिए सेटिंग है मेरा मोबाइल का, तो मैं चले जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉल का। ठीक है, फ़ोन का, फ़ोन में चले जाना है आपको। फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरह का दिखाई देगा, रिजेक्ट इनकमिंग कॉल्स विद एंड SMS मैसेज। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश में अलाना फलाना ढिमकाना लिखा रहेगा, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। तो आपको मान लीजिए ये एडिट करना है, ये इस चारों में से कोई भी मैसेज एडिट करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे, अब आपको आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी भाषा लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ चार मैसेज आपको लिखना है, और चार मैसेज लिखेंगे और चारों मैसेज में से कोई भी एक मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, कॉल कट होने के बाद सेंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये चेंज किया है, पहले तो इस तरह से था जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब मैंने इस तरह से कर लिया है हिंदी में। अब देखिए, मैं अपने ही फ़ोन में मैं कॉल करता हूँ और देखिए किस तरह से मैं SMS करूँगा। ठीक है, मैंने ये कट कर दिया। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आपकी मेरी कॉल आ रही है और मैं कॉल को डिसकनेक्ट, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, रिजेक्ट कॉल प्लस SMS। ठीक है, सेंड SMS, इसको हम स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा SMS जो है, जो भी आ रहा है, चार पाँच SMS वो हिंदी में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, और पाँचवा जो है यहाँ पर कस्टमाइज SMS। ठीक है, कस्टमाइज SMS पर क्लिक करेंगे तो हम लिखकर SMS कर सकते हैं, लेकिन अभी लिखकर करने वाला SMS अभी शो नहीं कर रहा है मुझे। ठीक है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो लिखकर SMS करने वाला ऑप्शन जो है शो नहीं करता है जल्दी। तो आपको क्या करना है ऐसे में, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ऐसे में क्या करना है, आपको उसको एडिट कर लेना है, कॉल सेटिंग अपने फ़ोन सेटिंग में जाना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये कॉल आ गया,
वो सेटिंग में जाना, जैसे मैंने आपको बताया सेटिंग में जाना है, उसको एडिट करके हिंदी में सारा मैसेज टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है ना, 1 2 3 4, ये चारों मैसेज मैंने हिंदी में टाइप कर लिया है। पहले इंग्लिश में था, ज़्यादा देर तक कॉल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कॉल जो है कट चुकी है, तो मैं दोबारा इधर से लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको जल्दी जल्दी में करना होगा, 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, तो 30 सेकंड के अंदर ही प्रोसेस आपको करना होता है, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर ही सारा प्रोसेस आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही मैंने लिखा है वो सब कुछ आप देख लीजिएगा, आपको ध्यान तो रहेगा आपने क्या लिखा है, तो बस उस पर क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप मुझे 30 मिनट बाद कॉल कीजिए, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि देखिए दूसरे फ़ोन में क्या हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, कॉल कट गया, वहाँ पर बिजी बता रहा है, लेकिन दूसरे फ़ोन में ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का SMS जो है यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जिस उसी बंदे के नंबर से शो करेगा जिस बंदे को आप कॉल करेंगे, या फिर आपको कोई बंदा कॉल करेगा, आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे तो उसके फ़ोन में इस तरह का मैसेज शो करेगा कि आप मुझे 30 मिनट बाद कॉल कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रोसेस जो है समझ में आ गई होगी। आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में टाइप करके रख सकते हैं, कोई भी कॉल करे इमरजेंसी में या फिर किसी भी तरीके से आप उस टाइम बात ना कर पाए तो उसको आप टाइम दे सकते हैं इजीली। पहले से ही मैसेज टाइप करके रख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, जो भी है, फलाना है, ढिमकाना है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगा मैं यानी तनवीर से आपको फिर किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल तनवीर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।